तूने समझा है हैबर ही उड़ाता है अली, तूने समझा है हैबर ही उड़ाता है अली, या पर्दा मेराज में जाता है अली। और मेरे करार की जुर्रत का अंदाजा तो देख, अपने सोए हुए कातल को जगाता है अली। हूं जनाब के सामने सैयद उजाकरीन, नफीस उजाकरीन, उस्ताद उजाकरीन, बाबा सैयद जैगम बादशाह साहब अफटीबा बूटा शाह शबीय तबूत सरकार अमीर अल मोमिनीन बरामद करान दे। सारे मिलकर सलावत पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलालमीनिर्रहमानिर्रहीम मालिकियौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदल्लाहु समद। बेरिज़्क़ियां रिज़्क़ दे, बे औलादां नूं औलाद दे, बे ईमानां नूं ईमान दे, बे रोज़गारां नूं रोज़गार दे। बहुत थोड़ी जी इबादत नूं कबूलो मंजूर फरमा, हाजरी नटवाया कबूल फरमा, वारिस दा जल्द ज़हूर फरमा। या रब्बा मुहम्मद माल मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद माल मुहम्मद, वाजिल फरजा आल मुहम्मद। बहुत सोनी सलवात। मजलिस पाक दी कबूलियत वास्ते सलवात। बीमार मोमिन मोमिनात दी सेहत वास्ते सलवात। सरकारे हुज्जत पाक दी सलामती वास्ते सलवात। आज बिल्लाह इब्न शैतान रजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, सल्लवा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अशराफ लंबिया वाल मुरसलीन, सोहनी सलवा शफी मुज़नबीन खातमिन नबीन बेलका वमा अरसलना कैला रहमत लिलामी नबी दिदाते सलवा। वसला तो वसलाम अला वसीये वज़ीरे व वारिस इल्मे इल्मिल वलीन वल आखिरीन ली वली दिदाते सलवा। वसला तो वसलाम अला हुसैन अल
गरीब दे रवाजी शहीद लक्षान बेरे करबला लगा कफन कोई नहीं दे अल्लाह का वक्त विदाए ही मिनल खया सो मिलवाइया सकीना तो लै कुन्ना मिन्ने सलाम हुण अल्लाह दे हवा शर्मा के ना रोवे कोई बड़ा वड्डा मजलूम ऐ ज़हरा दला इजाजत दे ते गरीब दी गुरबत दा एक जुमला सुनाओ अल्लाह दे जिस्म हो बैठे मैं बिस्मिल्लाह करा अल्लाह दे गुस्ला हो दमा हो जंद जिसम दा खून उसका गुसल बने अल्लाह दे سیرون فی الکوفت و شام جرمنی علیہ جیدیا بیڑی رول گی جنازہ آوڑا ہے حسن تے حسین دے پاک بابے دا جنازہ آوڑ والا ہے मत्ता किसे बंदे नो पता ना होए मामूली मजलिस नहीं बीबी ज़ैनब दी यतीमी दी मजलिस सारे हाजरी लवैसा ना बीबी पाक दे बुए ते सारे हाजरी लवैसा ना मातमी मैं देर कदी नहीं की थी मैं पहला लफ्ज़ मसाइब दा पढ़ लगा मैं प्यादा आज विच कूफे दे मुक गई ज़ैनब दी पेकी लगे जरा बमीर दी पेशानी पे ताही कोल मखलूक उदास मैं प्यादा जख्मी प्याकू चाहिया ने तेरी नस्ल आबाद हो ओ सरवर दे पाक नवासे ओ जेड़ा नाल दीवा मैं गुलाब जफल होता मैं प्यादा जख्मी प्याकू चाहिए ओ सरवर दे पाक नवासे ओ जेड़ा नाल दीवा मैंने देखो जी हाय वो जिड़ा नाल दीवार टकरा मारे ओ कुआं दिन लोग समझ आंदी सारे गाजिया दे अब्बास भी होए अते ज़ैनब रोए
अलमान हां सुनने वाले बैठे मैं बिस्मिल्लाह कदी भी ना रोवो एदा सोना रोवण आलो जदों रोवो पाकां दे गम च रोवो चंगियां ईदां कराईआं ने पिछला महीना रमजान दा महीना ए शवाल दा महीना है अमीर अल मोमिनीन दे पाक जनाजे दा इंतजाम कीता गया है बोन ते गिरदो निवाह पूरे यूरोप दे कठे मातमी चंगियां ईदां कराईआं ने अली दीआं धीआं दसा जी हर दीदे दिल दी आस होंदी है और पईए ईद फितर दी आंदी मैं जो मंगसा मैं को बाबा देसी यो सिख भी धिया को सारे शामिल हो जी मैं प्या बिस्मिल्लाह करा जी बात सोनी मुकान है बात सोना फुरसा है लंबी मजलिस नहीं चंद मिनटां दे बाद जनाजा अमीर मोमिनीन पाक दा जनाब दे सामने आवैसी जितनी कोई हाजरी दर्ज करा सकदा होवे जेडे मिट्टी ते बह के पुरसादार हो अपनी अपनी हाजरी जरूर लगवा लव्या है साडिया ईदा कूफा मुका गया सुन दे जी कोई लफ्ज़ फालतू नहीं मैंने देखो जी साडिया ईदा कूफा खा गया पहली ईद आई है ते अली दी धीआं यतीम होई दूजी ईद आई है ते रस्ते विच मुस्लिम दी धीआं यतीम होई सुन रहे हो जी आखिरी बंदे तक मजलिस दे पासे वेख रहे हो जी एक मिनट देवना नियाज हुसैन आसे पासे नहीं देखना बाजार दा माहौल है आए मैसेज करो आ मेरे नाल आवणे बाजार दी मजलिस होवे ते फिर शियो मावां दे रल आवे बाजार दी मजलिस होवे ते फिर भेड़ां दे रल आव्या करो जदों कदी बाजार दी मजलिस होवे धीआं नूं जरूर नाल लैके आव्या करो कुरान पाक दी कसम है अज दी सैयदादी नूं मजलिस च आवण वास्ते मोमना विच गुजर के आवणा पौंदा कुरान मेरे सिर ते रख लै 1652 मील अली दी धी बदमाशां विच तुर सदके होवां जी तवक्को तो सोहणी मुकान शुरू हो गई है चार पांच दस मिनट मैंने देवने ने ताकि मैं जल्दी तो जल्दी हाजरी मुकम्मल कर सका दूजी ईद आई है ते गाली पाक दी पाक हमशीर करबला दे रावां विच उजड़ गई है दसा कि ईद कीती है गाजी पाक दी पाक हमशीर ने ईद आला दिन हा ते गाजी दी भेण दे सर विच मिट्टी हाई ईद आला सारा दिन धीआं पुछदियां रहियां अम्मा अज ईद है ते तेरे सर विच मिट्टी क्यों है धीआं नूं गल नाल ला के आदी ईदा करे इब्राहिम जांदा बच गया मेरे तां अल्लाह जाने केड़े दरिया दे किनारे ते तस्से ते मेरे सादा तो मोमिनीन दी मजलिस से प्योर पुरसेदारां दी मजलिस से अगर कोई बंदा मेरे को पूछे जागम अब्बास ये जड़ी पिछली ईद है ये जड़ी कूफे विच अली दियां धीआं नूं आई है अली दियां धीआं कीवें गुजारी है एक फकीर नजफी जिन्हां दा शुमार उरफा विच हुंदा उन्हां दे लफ्ज़ सुणा के अगे निकलना
सलेरिया साहब ईद आला दिन हा ते पुछया हसन ते हुसैन ने बाबे जाइया को बाबे जाइया अज ईद आला दिन किवें गुजारना है। पाक सैन फरमाया अब्बास नूं आखो बाबे अली दी पोशाक पावे। नहीं पिछे रह गया ना। सुन रहे हो मेरी बात का पर्दा। अब्बास नूं आखो बाबे अली दी पोशाक पावे ते बाबे अली दी पोशाक पा के अब्बास नूं आखो बाबे अली दी खाली मसनत ते पावे। बोल जर्मनी ते गिरदो नवाज शरीफ लगाओ फिर मैं आज भी मजलिस के मसाइब पढ़ा। तामीले हुक्म कर दिया होया गाजी पाक बाबे अली दी खाली मसनत ते बाबे अली दी पोशाक ज़ेबे तन फरमा के तशरीफ फरमा हो गए। फिर तालब शाह साहब फरमाया ते सामने सारा दिन मिट्टी ते बह के गाजी नो वेख वेख के रोंदी आ रही अली। इंज ईदा कराइया नी मुसलमान अली दियां थियां। ईद आला दिन हा थोड़े हालात इजाजत देंदे होवन ते ना ज्यादा खुशियां करिया करो। ईद आला दिन हा ते रो के गुजारे कूफे विच अली दियां थियां। मैं करीब मजलिस ते चूंकि मैं बच्चा नहीं एन हुक्म दे मुताबिक प्रोग्राम दे मुताबिक जनाब नो पता ही नहीं लगना ते जनाजा जनाब दे सामने आ जाना है। सारिया तफसीलात ते मैं नहीं दसेंदा मौका मिलसी फिर अर्ज करे सा। मैं इथो शुरू करके दो वैन करके जनाजे पाक की ज्यारत करावा। 19 गुजरी है 20 गुजरी है 21 रमजान का दिन चढ़िया सारी औलाद मिट्टी ते बैठी रोंदी है। बीबी का वास्ता मेरे पास लिखना है कोई मसायब है। डॉक्टर जरावां ते हकीमां जिहड़े वाले बाहर वाले दरवाजे ते जाके मेरे हसन इमाम नूं दस्या ना असां बड़ी कोशिश कीती है हुण तेरा बाबा नहीं बचदा ते रोंदा होया मेरा मौला हसन जिहड़े वाले बाहर वाले दरवाजे तो अंदर हरम सरा दे पासे तशरीफ लिया रहा है मिट्टी ते बैठी आई मां हजरत अब्बास दी। हसन रोंदा आंदा वे आराम नाल सुनना मते किसी जवान दा जिगर ना फट जावे। ऐवे नहीं उम्मल बनी कौन इदराक कर सकदा गाजी पाक दी पाक मां दी वफा दा। जब वाले हसन रोंदा वेख्या ना मिट्टी तो तड़प के उठिए शाजी हसन दी सोहणी दाड़ी ते हथ रख के आदे हसन मेरा लाल इन्हें डॉक्टर जरावां ते हकीमां की आखिया मां दे गल च बाहां पा के मेरे हसन इमाम आख्या अम्मा डॉक्टर पे आखदे ने हुण मेरा बाबा नहीं बचूगा। पढ़ा जी रवाज शैखुल कुरान लिखिया है बात मौजूद है किताबा च अगर समात फरमाओ तो जेड़े वेले हसन इमाम दस्या ना मेरा बाबा नहीं बचदा डॉक्टर ते हकीम पे आखदे ने कम केड़ा कीता उम्मल बनीन ने अपने चौं पुत्रां नूं बुला के आदी जल्दी करो बाबे दे बिस्तर दा तवाफ कर। हाय 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 मेरे नाल आवे चौं पुत्रां उम्मल बनीन दे जेड़े वेले बाबे पाक दे पाक बिस्तर दा तवाफ शुरू कीता ना बिस्तर ते अमीर मोमिनीन भी समझ गए उम्मल बनीन दे पासे देख के फरमाइंदे उम्मल बनीन के पी करे नहीं है कदमां ते हथ ला के आदि थोड़ा आपना फरमान है जब मुसीबत हद तो वद जावे कोई चारा ना चले ते फिर सदका दियो। ओए होए 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 समझ आंदी है। आखरी रिवायत पढ़ के मैं इशारा करे था शबी पाका वैसी सारी औलाद मिट्टी से बैठी है। अचानक करवट बदली अमीर मोमिनीन पाक ने जड़े वेले सारी औलाद मिट्टी से बैठी रोंदी नजर आई है ते धी शर्मा ते हयामा वाली नजर नहीं आई हसन दे पासे देख के फरमाते हैं सारे रो रहे हो मेरी ज़ैनब की थी। और मैंने यकीन है सारे बंदे मजलिस पा के शामिल हो गए मुकान है ना। फरमाया मेरी ज़ैनब की थे बाबा आपने हुजरे च बैठी रोंदी है। अमीर मोमिनीन तड़प के हसन दे पासे देख के फरमाते हैं जल्दी जा
ते मेरी धी नु चुप करा उसते बड़ा ही रोवण है। हाय उच्ची करनी है जनाजा ते हर कोई रोंदा है सिर्फ असि तुसी नहीं रोंदे। हाय उच्ची करनी है आए बसंत के हो जल्दी जा मेरी धी नु चुप करा उसते बड़ा ही रोवण है उस गलियां ते बाजारा विच रोवण है बाजारा ते दरबारा विच रोवण है बाजारा ते दरबारा विच रोवण है। हसन बाबे दी मनशा समझ गए तड़प के उठे आए जिथे मिट्टी ते बैठी वहन करें दी है हाय कूफा हाय यतीम। मैं देखो जी जरा बंदा मजलिस च बीबी दा वास्ता मैं बिल्कुल करीब हाँ हाय कूफा बोलो ना हाय यतीम। हसन जड़े वाले आके तिला दी है ना जैनब बाबा याद प्या करें दी मंबा है शर्मो हया खदीजा तुल कुबरा दी सीरत वाली समझ आती है पंजाबी है ना जाकरी हो ही जो पंजाबी में हसन फिरा दे आसरे नाल टुरदी टुरदी बाबे दे कोल आई है जख्मी प्यो दे पेरा ते आके मुंह रखे है ते हाले ले अर्ज कीता बाबा जान हुकम बाबा हुकम बाबा हुकम। अमीर मोमिनीन फरमेंदे में जैनब मेरा लाल मेरा पहला हुक्म है मेरा बच्चा आज मेरे पास है राज के वे सारिया सुने जी हाय हाय मां की कंड पिछे बह के बाबे नाल गल्ला करें दी आई। अमीर मोमिनीन फरमेंदे मेरा सर चाओ जी मेरे पास देखो मेरा बच्चा मेरे पास देख शर्मा ते हयावां वाली निगाहां उठिया ने मैं परदे कुर्बान करा तेरी ना लैन पाक तो बाबे पाक दे पासे देख क्या दी बाबा आखड़ा क्या चांदे बाबा हुक्म क्या है फरमाया मेरा दूजा हुक्म है मैंने तेरी मां भी दसेंदी आई हुण मैंने फिजा भी रोज दसेंदी है या अली तेरी धी ज़ैनब कुरान बड़ा सोना पढ़ता है। नहीं समझ आती जी सारे शामिल हो जी बस इस तो ज्यादा मैं हुक्म दे तहत ज्यादा देर नहीं कर सकता मेरा बच्चा मैंने कुरान सुना करीब है कुरान बीबी ज़ैनब खोले है कौन बंदा है जरा सारी जिंदगी मैंने दुआ ना करे बीबी ज़ैनब कुरान खोले अलावा फरमेंदे ने इत्तेफाक नाल सूरह काफ सामने आई है सूरह काफ दिया पहली त्रै आयत शहजादी ने तिलावत फरमाई ने अली बिस्तर ते ज़र्ब दा दर्द भुल गए बिस्तर तो बेदार होके धी दे पासे हाथ दा इशारा करके फरमेंदे ने बस कर मैं समझ गया हुण खुतबे पढ़ ले से नहीं अजे मेरा हाँ नहीं फरिया मातम हो देना ये हर मजले से बाबा नारद भैया जी हर मजले से जख्मी प्यो दे पेरा ते हाथ ला के आदिए आवरता दे कुत्ते दा दरबार आवरता दे बेगैरत दा दरबार मैं इंज खुतबे पढ़सा हर कोई आख सी ज़ैनब नहीं अली आ गया अल्लामा शामिल करीब आ गया अज अपने बड़ा समझदार मैं रुक के लफ्ज़ आखन लगा मता कोई मर ना जावे अपने वेड़े विच भिरावां दी मौजूदगी विच मेरा बच्चा मैनू थोड़ा जिहा तुर के विखा हौसले नाल है हौसले नाल जवानी नसीब होवे ओ पुत्र ना कोई गल मैनू थोड़ा जिहा मात नहीं बैठा जवानी
ਪੱਕ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸ਼ਬੀ ਪਾਕ ਆਵੇ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇ करके जामी के आ ज़ैनब
ते कुछ वादे करके जामी ते या ज़ैनब प्योदी मैयत ते कुछ वादे